हिमाचल में बारिश बर्फबारी ने अपना असर दिखाने शुरू कर दिया है। प्रदेश में अब कहीं रोड ब्लॉक तो कहीं लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। शिमला में मंगलवार सुबह लैंडस्लाइड हुआ है। इस हादसे में 2 मजदूर दबकर मर गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए IGMC शिमला भेज दिया है। जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार सुबह 6:15 के करीब शिमला के जुनगा मार्ग पर अश्विनी खड्ड में पेश आया है। IGMC में CMO महेश ने बताया कि सुबह लैंडस्लाइड में दबे 2 मजदूरों को लाया गया था और दोनों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान राकेश और राजेश के रूप में हुई है। दोनों मृतक बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ मजदूरी का काम करते थे। इसके अलावा किन्नौर में सोमवार को 2 जगह बड़ी बड़ी चट्टानें हाईवे पर गिरी थी। पहले मूलिक नाला के पास लैंडस्लाइड हुआ था और दूसरी चोरा गेट के पास बड़ी चट्टानें हाईवे पर आ गिरी। हाईवे बहाली के प्रयास जारी है। वहीं हिमाचल आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने बताया कि फिलहाल बारिश बर्फबारी से अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आपदा से नुकसान कम करने के लिए योजना तैयार की है और आगामी 3 साल इस पर 650 करोड़ खर्चे जाएंगे।